हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुल्लग रेसिंग टिप्स तो आज के रेस की बात करते हैं जो कि है मैसूर रेस डेट है 18 टेन 2024 एंड टोटल रेस कार्ड है सेवन रेस का काढ़े सो देखे जाए तो मेरे सबसे ठीक ठाक कार्ड दिख रहा है और वैसा ही हो तो बात करते हम अभी मैसूर का फर्स्ट रेस का द सुंदर बैंस प्लेट डिवीजन टू क्लास फोर ट्वेल्व हंड्रेड मीटर सो मैसूर का फर्स्ट रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ वन नंबर हाउस टेल हाउजी चौकी है वी आर जगदीश ओके एंड ऑफकोर्स लास्ट स्टूडेंट देखे जाए तो यहाँ पे बहुत ही मतलब फॉर्म दिखाए गुड़े ने सेकेंड और थर्ड हो चुका है सो so, मेरे हिसाब से ठीक ठाक है वेट थोड़ा कैरी करके जा रहा है बट आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए uh, वेल के मुकेश कुमार था पट्टा पी वी आर जगदीश है एक ट्राई राइडर बोल सकते हैं और देखिए स्टार्ट भी अच्छा ले रहे हैं तो टाइम रन दे जाए तो तो बोल सकते हैं कि फॉर्म दिखा रहा है डेला उसी सो लास्ट रन देख लीजिए तो वायु के साथ ये फील्ड के सबसे सही है और उसको थर्ड हो चुका है बहुत पहले जेनेरियो को भागा बट लास्ट रन से ही है वायु को थर्ड हो चुका है तो इतना ही बोल सकता हूँ डेलॉजी के बारे में तो बात करते हैं हम उसी रेस का मैसूर का फर्स्ट रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ सेवन नंबर हॉर्स शेडो सेम जॉकी है अंगद ओके बहुत खराब रन है बट लास्ट रन बहुत टाइम के बाद थर्ड हो चुका है सो so वेट भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक है बिहारिश्ता ये तक खास तो नहीं बोल सकते बट तो उससे बेटर राइडर है ओके उसी के हाथ में एक बार थर्ड हो चुका है फोर्थ हो तो चुका है सो so, लास्ट टाइम भी मतलब ठीक ठाक स्टार्ट लिया है uh, फॉर बेच चल रहा है जो कि एन आर आई उसको थर्ड हो चुका है ओके देन देखे सीरा को भी भाग चुका है बहुत पहले अतुल्य को सो so, शेडो सेम देखा जाए थोड़ा ठीक ठाक फिर देखा है मेरे हिसाब से तो इतना बोल सकता है तो फिर भी ओपन कार्ड है तो मेरे सबसे आ, फर्स्ट रेस पे वन एंड आ, सेवन में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस लीजिए तो बात करते हैं अभी मैसूर का सेकंड रेस का था यादावागिरी प्लेट क्लास फाइव फोर्टीट हंड्रेड मीटर सो मैसूर का सेकंड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ द्री नंबर हॉर्स नेचुरल फ्लाई जॉकी है विवेक जी ओके बिकॉज ये है क्लास फाइव की रेस है एंड जो नेचुरल फ्लाई है थ्री नंबर लास्ट टूरत देखे जाए तो क्लास फोर में भाग भागाए सो so, ये नोट कीजिए तो क्लास डाउन हो आ रहा है अभी तो उसका एक बेनिफिट तो ऑफकॉर्स होना चाहिए थोड़ा वेट तो कैरी करके जा रहा है और प्लस पर देखे जाए तो श्याम कुमार था वहाँ पे उसके पास नोवी प्रेस था उधर तो अभी विवेक जी एक बेटर राइडर है और ऊपर से वी है तो एक बेनिफिट होना चाहिए ऊपर से देखिए लास्ट टाइम स्टील पर था अभी एलेवन मतलब शू चेंज हो रहा है तो उसका एक बेनिफिट होगा तो बहुत ही बेटर दिख रहा है मुझे लगता है नेशनल प्राइस फील्ड में आना चाहिए इजिली बोर्ड पे तो देख जाए तो इतना खास तो फील्ड नहीं देखा है बट एक बेटर राइडर और शो चेंज हो रहा है क्लास डाउन रोके आ रहा है तो आई थिंक ईजिली बोर्ड पर आना चाहिए तो बात करते हैं उसी रेस का मैसूर का सेकेंड रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डैट विल बी अ टॉर्स हॉर्स कल हानी जॉकी है वी यार जगदीश ओके यहाँ पे देख जाए तो पूरा फील्ड देखे जो तो इतना खास नहीं है बट एक ट्वेल्व नंबर का एक बोल सकते हैं लास्ट तो रन इग्नोर खींचे बट उससे पहले फोर्थ तो हुआ है सो वेट अभी बहुत ही लो वेट कैरी करके जा रहा ए आई एस था वी आर जगदीश अभी चस देखे स्टार्ट ले रहा है मतलब स्टार्ट जिस वक्त अगर इस वक्त स्टार्ट अच्छा लेगा तो जरूर बोर्ड पे आएगा आ, वैसे तक खास तो फील्ड ने देखा अभी तक बट रन देखे छोड़े तो आई थिंक एक बॉटम वेट लो वेट कैरी करके उसका एक बेनिफिट होगा तो मेरे सबसे यहाँ पे आप ठीक ठाक कार्ड दिख रहा है सेकेंड रेस तो मेरे सबसे थ्री एंड ट्वेल्व में आपको जो बेस लगे उसका आप विनी का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं तो बात करते हैं भाभी मैसूर का थर्ड रेस का द सुंदरबंस प्लेट डिविजन वन क्लास फोर ट्वेल्व हंड्रेड मीटर सो मैसूर का थर्ड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज द नाइन नंबर हॉर्स मिस्टिकल मर्लिन जॉकी अभिषेक बातरे सॉरी ऑफकोर्स इसका रनस बहुत सही है देख जाए तो बहुत जबरदस्त फॉर्म है और लास्ट टाइम भी देखे अल्ट्रासाउंड देखे भी मतलब एज अ विनर है साढ़े तीन लाइन से मतलब स्टार्ट सही लिया था आई थिंक अल्ट्रासाउंड दिया तो इसलिए स्टार्ट अच्छा लिया सॉरी <coughs> <coughs> सो वेट भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक है क्योंकि माइनस फोर अलेवन से ओके लास्ट टाइम फेज था अभी अभिषेक बात फुल फॉर्म भेजा कि उसी के हाथ में मतलब उसको बेटा है तो ऑफकोर्स बोर्ड पे अच्छा है क्योंकि एक बार उसके हाथों में जीत भी चुका है देखिए अल्ट्रासाउंड दिया था लास्ट टाइम स्टार्ट भी अच्छा लिया था सो देखे जाए तो इतना खास तो फिट नहीं देखा है बट फॉर्म है घोड़े में तो बात करते हैं उसी रेस का हायद्र सॉरी मैसूर का थर्ड रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ फाइव नंबर ऑफ़ गोल्ड क्रेस्ट कि है सलमान खान ओके जस्ट बिकॉज लास्ट फ्यू रन्स तो इग्नोर कीजिए बट यहाँ पे देखिए क्लास थ्री में भागते आए हैं अभी तक से जैसे क्लास फोर में आया इतना आउट तो भागना नहीं चाहे था बट नोट आउट भागा दिए इसको लास्ट टाइम आई होप अभी मतलब uh, कुछ कर सकता है इस वक्त एक बोल सकते कुछ गड़बड़ कर सकता है सो so वेट भी मेरे सबसे ठीक ठाक है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर क्लास डाउन हो के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए के राजेश था वहाँ पर उसके पास विप नहीं था सो so अब भी सलमान खान को बैठा है तो अफकॉर्स व्प का एक बेनिफिट है एक अच्छा राइडर भी है और देखिए लास्ट सब स्टार्ट भी खराब लिया था लेकिन तो उससे पहले स्टार्ट अच्छा ले रहा था जैसा क्लास डाउन हुआ पीछे रख दिए आई थिंक थोड़ा भाव के लिए देख रहे सो so, देख रहे तो बहुत पहले शिवा जैसे घोड़े को थर्ड हो चुका है ओके तो इतना भी बोल सकता हूँ तो बात तो मेरे सबसे यहाँ पे थर्ड रेस में आ, फाइव एंड नाइन में आपको जो रेस लगे उसका प्लेसिंग का ही चार्ज लीजिए तो बात करते हैं अभी मैसूर का फोर्थ रेस का था ए आर सुब्रमण्य राजमोरियल ट्रॉफी क्लास ट्वेल्व हंड्रेड मीटर सो मैसूर का फोर्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ फाइव नंबर हॉर्स कोट चेस्ट जॉकी है फेज ओके लास्ट वन सेकेंड हुआ है घोड़ा यहाँ पे देखिए थ्री फोर लेंथ से बच गया था मतलब सेकंड हो गया मतलब थोड़ा जीतते रह गया था सो वेट भी बहुत लोग कैरी करके जा रहा है बाइरस फोर के अलावन से ओके सेम राइडर है मतलब उसी के हाथ में चलता है अभी तक से फिर से वही राइडर है फेस लास्ट ऑफ उसी के हाथ में सेकेंड हो चुका है लास्ट ऑफ स्टार्ट भी सही लिया था ओके आ, वैसे ठीक ठाक तो फिर देखा पर इतना भी नहीं पड़े आ, फिर देगा बट है ठीक ठाक फिर देखा है घोड़े ने लास्ट कंपनी जो देखा है सील फॉर बिल्डर सीजार सो थोड़ा ठीक ठाक फील्ड देगा एक पोर्ट जेस्टर तो बात करते हैं अब उसी रेस का मैसूर का फोर्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डैट विल बी अ एट नंबर हॉर्स ब्रेफ ट्रूपर जॉकी एस एंतनी राज ओके यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम सेकेंड हुआ है इंटरफियर होने के बावजूद एक बड़ा सेकेंड हो चुका है सो वेट भी मेरा सबसे लो वेट ही कैरी करके जा रहा है सही है वेट अभिषेक बात तो आपका फॉर्म में चल रहा है जॉकी उसके यहाँ तो मैं सेकेंड हो चुका है वहाँ पे उसके पास स्वीप रहता अभी ऐसे तो से एक बेटर राइडर को बिठाए आपका वेब का एक बेनिफिट होगा स्टार्ट भी सही लिया था लास्ट टाइम सीजर आई मतलब ठीक ठाक घोड़ा है उसको सेकेंड हो चुका है तो बहुत पहले लॉन्ग लिस्ट को एक बार सेकेंड हो चुका है ओके थोड़ा आई थिंक बेटर ये घोड़ा तो मेरे सबसे यहाँ पे आप फोर्थ रेस में फाइव एंड एट में आपको जो एव लगे उसका वेडिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं तो बात करते हैं हम अभी मैसूर का फिफ्थ रेस का द गवर्नर्स कप 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर फॉर इंडियन हॉर्सेस फोर ईयर्स ओल्ड एंड ओवर टू थाउजेंड मीटर्स और मैसूर का फिफ्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ वन नंबर हॉर्स चैंपियंस में जो कि सुरेश नेहरू अफकोर्स सब तरफ पर भागा है। बैंगलोर हैदराबाद मैड्रास कैलकता ओके okay, लास्ट रन दो बैंगलोर का थर्ड और फोर्थ हो तो चुका है और इंटरफियर भी हो गया था सो so, ऑफकोर्स मैं ट्रैक इजी पढ़ना चाहे यहाँ पे हॉट फेवरेट बनना चाहिए यहाँ पे चैंपियंस में सो वेट वी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे सबसे सेम राइडर सुरेश नेहरू ओके एज अ फ्रंट रनर भी है ऑफकोर्स ब्यूटिफुल को थर्ड हो चुका है देन जूलियट को इन्विटेशन में साथ हो चुका है टर्वी में तुरुत को मार चुका है नॉट ही छा मंड ऑफ दून गैल्हा तो बहुत ही टाइट फिल्म देखा है आई थिंक हॉट फेवरेट बनना चाहे पे चैंपियंस चैम्पियंस तो बात करते हैं उसी रेस का मैसूर का फिफ्थ रेस का हमारे जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ थ्री नंबर हॉल्स कैलेमेसी जॉकी है एस जी मॉलिन ओके और देख जाए तो ये भी बैंगलोर का घोड़ा है कैलकाटा भी भागा है बैट्रास भी भागा है और लास्ट टाइम मैसूर में आने के बाद तो इतना रन खास तो नहीं दिखा है बट लास्ट टाइम फोत हो चुका है घोड़ा थोड़ा भाव अच्छा था फिर भी फोत तो हो गया है सो वेट सेम कैरी करके जा रहा है अफ फर्स्ट ड्राइवर था सही राइडर था पटेजी बॉल इन को बिठाया अभी ओके स्टार्ट भी लास्ट टाइम सही लिया था गोल्डन पीक इज ब्यूटीफुल यू कैन शैमरॉक जूलियट सक्सेस ओके okay, इससे भी टाइट फील्ड देखा है तो आई थिंक रेस इन दोनों में होना चाहिए तो फिफ्थ रेस में वन एंड थ्री में आपको जो वेस लगे उसका भी नहीं का चांस ले सकते हैं तो बात करते हैं अब अभी मैसूर का सिक्स रेस का था एलिकोना ट्राफी क्लास थ्री सिक्सटीन हंड्रेड मीटर मैसूर का सिक्स रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज अ फाइव नंबर हॉर्स आयरिश रॉक स्टार्स जो कि एस एन थ्री राजर्स बैंगलोर को घोड़ा है जैसे लास्ट टाइम मैसूर में आने के बाद सेकेंड हो चुका है इंटरफियर हो गया था ओके बहुत ही टॉप वेट था अभी वेट कम कैरी करके जा रहा है उसका बेनिफिट होगा लास्ट टाइम कुमार था सेंचुरी राजे अभी जस्ट स्टार्ट का ही प्रॉब्लम है ओके जिस वक्त अभी स्टार्ट लेना जरूरी है वैसे रिंग मास्टर को सेकेंड हो चुका है तो खास फील्ड था लास्ट टाइम रिंग मास्टर बहुत बहुत पहले ब्लू गॉड जैसे घोड़े को मार चुका है बैंगलोर में तो एक अच्छा ही घोड़ा है आई रॉक स्टार तो बात करते हैं उसी रेस का मैसूर का सिक्स रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी ए थ्री नंबर हॉर्स फ्री टू प्ले जॉके कोशी कुमार बिकॉज ये भी देखे जाए तो बैंगलोर का घोड़ा है मैेश्वर सौ आने के बाद थर्ड और सेकेंड हो चुका है लास्ट टाइम सो वेट भी ठीक ठाक है विवेक जीता भी कोशी कुमार है ओके यहाँ पे मतलब स्टार्ट का इसका भी एक प्रॉब्लम है बहुत कि एक बार सूर्य जैसे घोड़े को सेकेंड हो चुका है ओके इतना ही बोल सकता हूँ फ्री टू प्ले के बारे में तो सिक्स रेस में मेरे हिसाब से थ्री एंड फाइव आपको जो बेस बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस लीजिए तो बात करते हैं अभी वैसूर का सेवन एट द लास्ट रेस ऑफ द डे दस्तिरा पूरा प्लेट क्लास थ्री फोर्टीन हंड्रेड मीटर सो वैसूर का सेवन रेस का हमारे जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज नाइन नंबर हॉर्स एन आर आई टच जॉके शिवम लास्ट मतलब uh, इसका हमेशा बोर्ड पे रन अच्छा है हमेशा बोर्ड पे लास्ट टाइम देखे सेकेंड हो चुका है वेट भी कम कैरी करके जा रहे हैं ऊपर से माइनस थ्री अलेवन से बहुत ही लो वेट कैरी करके जा रहे है ऐसे रास्ता अभी शीओ में स्टार्ट भी सही लेता है घुड़ा ओके आ, वैसे इतना तो फिर तो नहीं देखा है इतना ही बोल सकता हूँ तो बात करते हैं उसी रेस का मैसूर का सिक्स सॉरी सेवन्थ रेस का अबार जो सेकेंड चॉइस होगा <coughs> डेट विल बी एट नंबर हॉर्स नेचुरल स्पीड जो कि है श्रीकांत कामले ओके okay? इसका भी रन देखा जाए तो बहुत सही हमेशा बोर्ड पे लास्ट टाइम देखे थर्ड हो चुका है ऑफकॉर्स वेट सेम कैरी करके जा रहा है विवेक जीता भी श्रीकांत कामले एक अच्छा राइडर है ओके स्टार्ट okay, का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रेसअप जो कि है फिड के सबसे ठीक ठाक किया तो अतुल्यकू तो ये लास्ट वो रन सही है सेकेंड थर्ड हो चुका है नेचुरल स्पीड तो आ जाना चाहिए बोर्ड पे वैसे और घोड़ा है जो कि मुझे लगता है मतलब लग कर सकता है ट्राई दैट इज़ अ वोमन चली ऑफकोर्स भी लगता है यहाँ पे फेवरेट बनना चाहिए ओमन बन चली बट यहाँ पे तो ये चॉइस लेके चलोगे एट एंड नाइन सो फिर भी सेवन्थ रेस में आपको तीन घोड़े में मतलब एट नाइन और टेन में आपको जो बेस लगे उसका प्लेसिंग का चांस दीजिए तो ये रहा हमारा टोटल वही रेस का सेवन रेस का टिप्स एंड सिलेक्शन सो मेरे को रेस कार्ड सही है फेवरेट है तो वैसे ही हो फिर भी रेस से कुछ कहीं दे सकते तो इसलिए पूरे दिन भी आपको जो भी फैसला या दो तो गोड़ी जो आपको प्रॉफिट करा सके वही रेस कीजिए सुबैसर गुल्लु फॉर दी तब तक रेस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ